आज मैं बताने वाला हूं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स का नाम और उसका फंक्शन, ट्रांसफार्मर के पुर्जे का नाम और कार्य। लाइव दिखाएंगे जो हम लोग को घर में सप्लाई आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो कैसा दिखता है लाइव हम दिखाएंगे। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, एक एक करके हम पार्ट्स का नाम जानेंगे और उसका क्या काम होता है वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या सब होता है, जो मेन टैंक होता है ना, मेन टैंक के अंदर होता है ट्रांसफार्मर वाइल होता है, और ट्रांसफार्मर का कोर होता है, और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है। वो टैंक होता है, टैंक के अंदर कोर और वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइल जो तेल होता है उसमें डूबा रहता है, क्योंकि ये जब ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो वाइंडिंग और कोर गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए हम टैंक में तेल डालते हैं, उसको हम इंसुलेशन रहता है ये तेल। दूसरा नंबर में ऊपर में सबसे ऊपर में देख रहे हैं उसको बुशिंग बोलते हैं, 11 kV का रहता है ये। बुशिंग क्या करता है, वो सप्लाई आता है 11 kV, वो ट्रांसफार्मर के इनपुट सप्लाई होता है। सबसे ऊपर में देखिए 3 तार आता है, R, Y और B, ये क्या करता है बुशिंग के थ्रू वाइंडिंग में जाता है, इसके बाद स्टेप डाउन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो पतला पतला जो बाहर निकला हुआ है उसको हम रेडिएटर या कूलिंग ट्यूब बोलते हैं। रेडिएटर का काम क्या होता है, तेल को वो ठंडा करता है। वो सब ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जितने भी ट्रांसफार्मर रहता है सब में रहता है ये तेल को ठंडा करने के लिए। अब देखिए राइट साइड में पाइप जैसे एक दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का काम ये होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई खराबी आ जाने से आग लग जाए तो उस होके गैस निकलता है। और वो जो आपको टैंक दिख रहा है सबसे ऊपर वोजला वाला टैंक जो दिख रहा है वाइट कलर का, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक में ही आपका ब्रीथर लगा रहता है। ब्रीथर का काम क्या होता है कि वो आपको ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर रहता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेटर टैंक में ही आपका वाइल गेज लगा रहता है, इसके अंदर तेल कितना है सबसे ऊपर दिख रहा है, ये इंडिकेटर भी दिख रहा है। देखिए ये वाइल का इंडिकेटर है, ट्रांसफार्मर तेल कितना है इसमें, कम है तो टॉपअप भी करते हैं उसमें। और कंजर्वेटर टैंक का काम ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है तो यहाँ तक पहुँचता है ऊपर, मतलब कि वो जो तेल है कम है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बॉयल होता है, तो ध्यान रखना है। और टेम्परेचर मीटर एक लगा रहता है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बताने के लिए, तो वही सब काम रहता है। एक होता है बचर्स ले रहे, बचर्स ले का ये काम होता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसके अंदर कोई दिक्कत होता है तो अलार्म बजाता है ये बोचल्स रिले। इसके अंदर क्या होता है, स्विच रहता है, नॉर्मली ओपन स्विच रहता है, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, अलार्म बजाएगा कि कोई गड़बड़ी होगा तो एक्सप्लोजन वेंट से उसका जो आग उग है वो तेल निकलना बाहर है तो उधर से एक्सप्लोजन वेंट से निकल जाता है। ये 4 तार देखते हैं, ये आउटपुट है R, Y, B और न्यूट्रल है ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट तार है। इसी से टर्मिनल से हम लोग को घर में सप्लाई आता है। एक रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नेम प्लेट लगा रहता है। नेम प्लेट का वो काम होता है कि पूरा बायोडाटा लिखा रहता है ट्रांसफार्मर का, कितने KVA का है, कितने फेज का है, पावर ट्रांसफार्मर है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पूरा रेटिंग उस पर लिखा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और पिछले संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई दिक्कत आ गया था। थैंक यू वेरी मच।